नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों शोले 15 अगस्त 1975 को फिल्म ये रिलीज हुई थी, 15 अगस्त 1975 को। और अभी जो 15 अगस्त आई तो मुझे इसका याद आया कि 15 अगस्त को इस फिल्म के बारे में बात की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी फिल्म मानता हूँ मैं इसको, अगर लोकप्रियता के हिसाब से, कलेक्शन के हिसाब से और कितने लंबे समय तक ये फिल्म चली है उन रिकॉर्ड्स को अगर कंसिडर करें। इतनी बड़ी स्टार कास्ट फिल्म है, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, अमजद खान, हेमा मालिनी, जया बच्चन और दोस्तों क्या क्या बताए आपको, मतलब कि आज भी बच्चे की जबान पर इस फिल्म के डायलॉग है। तेरा क्या होगा कालिया, कितने आदमी थे अमिताभ बच्चन सर का मौसी जी के साथ, जो धर्मेंद्र जी की शादी के लिए, वीरू की शादी के लिए जो बात करते हैं, वो कॉमिक सीन शायद भारतीय सिनेमा इतिहास का सबसे बेहतरीन कॉमिक सीन में से एक है, जहाँ कोई आपको हंसाने की कोशिश नहीं करता, केवल डायलॉग्स ही इतने अच्छे हैं, इतने फनी हैं। और अमिताभ बच्चन सर का जो अंदाज है बोलने का, मौसी के रूप में लीला मिश्रा ऐसा साइकिल उठ करते हैं, और फिर धर्मेंद्र जी का जो टंकी वाला सीन है, मतलब एक आइकोनिक मूवी है। इतना सन्नाटा क्यों भाई, एक ही हंगर जैसे कलाकार का भी एक इतना सा किरदार, वो भी एक डायलॉग आज भी लोगों के दिमाग में मतलब घुसा हुआ है, एक छड़ा हुआ है, आज भी लोग याद करते हैं। एक एक करेक्टर, छोटा सा करेक्टर, चाहे वो अंग्रेजों के जमाने के जेलर असानी साहब हो या सुरमा मुखर्जी हो, तो सब मतलब इतने छोटे छोटे से करेक्टर जो आज भी लोगों के दिमाग में छड़े हुए। तो ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवी जो आज भी आप सबने कई बार देखी होगी और अभी भी अपन कई बार इस फिल्म को देख सकते हैं। बेहतरीन संगीत, सलीम जावेद की जबरदस्त स्क्रिप्ट और क्या मतलब रमेश सिप्पी का डायरेक्शन, तो इस फिल्म को याद करना बनता है। इसलिए 15 अगस्त को एक फिल्म आई और शोले, और जो भी शुरुआती 3 दिनों में फिल्म ने इतना कम कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर कि सभी ने प्लॉक घोषित कर दिया था। लोग कहने लगे थे कि धर्म जी की जगह अमिताभ जी के पोस्टर को बड़ा करो, क्योंकि अमिताभ बड़ा स्टार है इस समय धर्मेंद्र जी से। उस समय जंजीर दीवार जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में आ चुकी थी अमिताभ बच्चन सर की, लेकिन बाद में कंटेंट ने जोर पकड़ना शुरू किया, लोगों को गब्बर सिंह का पता चला कि गब्बर सिंह है और क्या उनका एक्टिंग क्या अंदाज था उनको। पहले डेनी साहब थे इसमें गब्बर सिंह की जगह, पहले डेनी साहब ही रोल करने वाले थे, लेकिन बाद में वो धर्मात्मा फिल्म में बिजी थी शायद, और धर्मात्मा फिल्म की शूटिंग उनको विदेशों में करनी थी तो वहाँ उनको जाना जरूरी था, और उनको धर्मात्मा या शोले में से एक ही फिल्म चूज कर सकते थे। तो बाद में इन्होंने कोई सलीम जावेद ने शायद गब्बर सिंह मतलब जो जयंत उनके पिता का नाम, उनका बेटे अमजद खान का कोई परफॉर्म देखा था किसी स्टेज शो में, तो उनको याद आया कि ये रोल उनको दे दिया जाए, और उसके बाद में तो पूरा इतिहास लिखा गया जिस प्रकार से गब्बर सिंह, अमजद खान नाम भूल गए सब और गब्बर सिंह बोलने लगे। और दोस्तों क्या मतलब, एक फिल्म दोनों की दोस्ती, जेवीरू की दोस्ती आज भी याद की जाती है, बसंती का वाचाल ज़्यादा बोलना, जया बच्चन की खामोशी, संजीव कुमार सर का ठाकुर के रोल में एक लाजवाब, एक जो नेचुरल एक्टिंग होती है, वाकई एक शोले दोबारा कभी नहीं बन सकती। कोशिश की थी रामगढ़ के शोले या क्या नाम था उसका, उन्होंने बनाई थी शायद, नाम याद फिलहाल मुझे नहीं आ रहा, लेकिन एक कोशिश की गई दोबारा शोले बनाने की, राम गोपाल वर्मा की आग शायद ऐसा कुछ था, और कितना बुरा हाल हुआ था उसका, दोबारा नहीं बन सकती शोले। सही है कि उसके इंस्पायर कई फिल्में बनाई गई, लेकिन दोबारा वैसी फिल्म बनाना लगभग नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। शोले तो शोले ही है, आज भी शोले को आप याद कर सकते हैं, आज भी कई बार देख सकते हैं। आप बताइएगा आपके क्या एक्सपीरियंस है शोले के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम जी, बोलेगा।